देखिए, मैंने एक सवाल उठाया है सरकार से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कुड प्रो क्यो है क्या? और मैं नहीं बल्कि जस्टिस लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये कहा कि इनके इस अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी के ऊपर कई सवालात उठते हैं। तीसरा ये है कि 2012 में लेट अरुण जेटली ने राज्यसभा में स्पीच देकर कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जो फैसले होते हैं जजेस के और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, वो फौरन नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को, पॉलिटिकली फायदा मिला है, चाहे वो सीबीआई का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफाल का मामला हो। गोगोई ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें उन्होंने बैठकर अपने फैसले में कहा था, जो केस था ट्रिब्यूनल मेंबर्स को रीअपॉइंटमेंट का, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और कई सवाल निशान उठेंगे। देखिए, जुडिशरी में, जजेस में जो पब्लिक परसेप्शन अगर बनेगा, वो खुद हम सबको सोचना है। और आखिर बात यह है कि इनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का एक कंप्लेन दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि उसमें एलिगेशन में दम नहीं है। मगर हैरत की बात यह है कि इनके रिटायरमेंट के फौरन बाद उस महिला को, उसके फैमिली मेंबर्स को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया। तो बताइए, क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये? मेरा आखिरी सवाल है कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में भेजा है, फिर अगर ये आ रहे हैं तो आपत्ति क्यों? देखिए, आप बात कर रहे हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की। उनके रिटायरमेंट के 7 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाकर उनको बनाया, तो इनको भी चाहिए कि बीजेपी का कैंडिडेट बन जाए ना, बीजेपी ज्वाइन कर लें। कौन रोक रहा है इनको? गोगोई साहब ज्वाइन कर लें बीजेपी, कौन रोक रहा है? ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी आप भी, मालूम हो जाएगा।